जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको जो है अकाउंटिंग इक्वेशन तक मैंने आपको बता दिया था। आज की क्लास में जो समझना है वो है आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणा, यानी कि अकाउंटिंग करने के लिए कौन कौन सी कॉन्सेप्ट के बातों को ध्यान देना चाहिए, इसमें कौन कौन सी कॉन्सेप्ट होती है, वही आज की क्लास में आपको सीखना है। देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट का नाम दिया है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है तो देखिए इसके बारे में आप समझिए। कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक कॉमन इनपुट से मेजरमेंट किया जाता है जिसे मनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनी कहा जाता है। और ऐसे ट्रांजेक्शन जिसे मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके या मेजरमेंट किया जा सके उसे ही बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाएगा और बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। करें कि ऐसे इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक कॉमन यूनिट से मेजरमेंट किया जाता है जिसे मनी कहा जाता है। मतलब बिजनेस का अगर हम देखें, बिजनेस ट्रांजेक्शन का मात्र एक ही लक्ष्य होता है और एक ही मेजरमेंट होता है, वो है आपका मनी। यानी कि मनी प्राप्त करना ये बिजनेस का प्रथम दायित्व होता है। यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिसे मनी के रूप में प्राप्त किया जा सके, मेजर किया जा सके, एक्सप्रेस किया जा सके उसे ही बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाएगा और बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब जो मनी हमको प्राप्त होती है, जिससे भी प्राप्त होती है, बस उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे, सर्टिफिकेशन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कोई सेल्समैन किसी पार्टिकुलर दिन में कितने अमाउंट का गुड्स सेल करता है, केवल इस अमाउंट को ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सकता है। जैसे कोई बिजनेसमैन है, वो एक दिन में 400 रुपए का बेचा है, तो वही 400 रुपए हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और कह रहा है कि जबकि इम्प्लाई सर्टिफिकेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम सर्टिफिकेशन को मनी के रूप में मेजर नहीं कर पाते। जैसे कि आपने कोई दुकान किया, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई दुकान किया और उस दुकान पे 4 कस्टमर ऐसे आए जिनको खरीदना है, क्या कीबोर्ड खरीदना है, क्या खरीदना है, कीबोर्ड खरीदना है। तो जब दो कस्टमर क्या किया, दो कस्टमर मान के चलिए कि आपके दुकान से कीबोर्ड खरीद लिए और दो कस्टमर अभी सोच रहे हैं कि नहीं बाद में खरीदा जाए, तो अगर आप सेल भी करेंगे तो मान के चलिए कि उसका आप रसीद बना करके उसको देंगे ना, तो वही तो रसीद बनाएंगे ना जो दो व्यक्ति आपसे खरीदा हुआ है, जो बोला है कि बाद में खरीदेंगे, तो हो सके कि आपसे भी दुकान से भी खरीद सकता है, किसी और की भी दुकान से खरीद सकता है। पता नहीं वो आपकी दुकान पे आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आपके दुकान से वो सेटिस्फाइड होकर के जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे वैल्यू सही है, हम नेक्स्ट बार आकर के ही आपके दुकान से खरीदेंगे। तो वो जैसे सर्टिफिकेशन होकर के जा रहा है, वो संतुष्ट होकर के जा रहा है, लेकिन जो मनी देकर के आपको जा रहा है उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे, सर्टिफिकेशन को मनी के रूप में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एक और छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताऊं, जैसे कि मान के चलिए अपने इंस्टीट्यूट में 4 बच्चे एडमिशन के लिए आए, उसमें से 2 बच्चों ने एडमिशन ले लिया और 2 बच्चे कह रहे हैं कि ऐसा है कि सर हम बाद में एडमिशन लेंगे। तो आप जानिए, अगर हम 2 बच्चों का एडमिशन लिए हैं तो उन्हीं दोनों बच्चों का तो रसीद बनाएंगे, उन्हीं दोनों बच्चों का तो डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, उन्हीं से चूंकि पैसा प्राप्त हो रही है तो उन्हीं का हम डेटा फिट करेंगे। लेकिन जो बच्चा बोल दिया कि 2 दिन बाद आएंगे, 4 दिन बाद आएंगे, वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, इसलिए हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, उसको अपने समझने के लिए हम एक बुक में उसको जो है डायरी में नोट कर लेंगे ताकि हम उसको कन्विंस करके बुला सकें, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मात्र 2 ही बच्चों का हम रसीद बनाएंगे और 2 ही बच्चों का हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो वही बातें कह रहा है कि जिससे हमको मनी रिसीव होता हो, बस उसी ट्रांजेक्शन को मनी के रूप में हम एक्सेप्ट करेंगे, सर्टिफिकेशन को हम एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब वो संतुष्ट होकर के गया है, हो सके कि आपके बिजनेस में आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। क्लियर हुआ? तो इसको हम मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का पहला कॉन्सेप्ट होता है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब चलिए, सेकंड आपका पॉइंट आता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या आता है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। गले हाथ लगा के नहीं बैठना है, सीधा बैठिए, गले हाथ लगा के नहीं बैठना है। अगला आता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस को एक एंटिटी के रूप में देखा जाता है जो कि अपने ओनर से बिल्कुल अलग अलग एंटिटी है, और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस एक अलग एंटिटी है और उसका मालिक एक अलग एंटिटी है। हम हमेशा इन दोनों को अलग अलग मान करके ही अकाउंटिंग करेंगे। जैसे बिजनेस को ओपन करने वाला बिजनेस का प्रोपराइटर, यानी कि बिजनेस का मालिक, उसको हम बिजनेसमैन बोल सकते हैं, और दूसरा अपना बिजनेस, ये दोनों को हम अलग अलग मान करके
अलग अलग एंटिटी मान करके ही अपना बिजनेस करते हैं, ये इसको हम एंटिटी के नाम से बोलते हैं और इसको हम सेपरेट एंटिटी के नाम से भी जानते हैं। मतलब हमारे बिजनेस में सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के यही कहता है कि हमारे हमारे बिजनेस में अलग अलग एंटिटी होता है। एक बिजनेस का मालिक बिजनेस का अलग एंटिटी होगा और जो बिजनेस है वो बिजनेस हमारा अलग एंटिटी होगा। मतलब हमारा जो बिजनेस का प्रोपराइटर है अलग एंटिटी है और बिजनेस हमारा अलग एंटिटी है, और इन दोनों को अलग अलग मान करके ही हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं, तब जाकर के हमारा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहलाता है। अगला क्या दिया है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अब ये क्या होता है, तो देखिए इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जा रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम यह मान करके अकाउंटिंग करेंगे कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहे। कोई भी आदमी बिजनेस करता है, कोई भी आदमी व्यापार करता है, अकाउंटिंग करता है, तो यही चीज मान करके करता है कि हमारा बिजनेस हमारा लंबे समय तक चलेगा। फिर कह रहा है कि अगर बिजनेस को निकट भविष्य में बंद करने की कोई संभावना भी नहीं है। ऐसा एक तरीके से अगर देखा जाए तो मान के चले कि कोई बिजनेसमैन ऐसा सोच लेता है क्या कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट किए हैं पुनः 2 महीने के बाद ले जाकर के हम बिजनेस को बंद कर देंगे, ऐसा ऑप्शन नहीं होता है। वो बिजनेस को हमेशा मतलब अपनी लाइफ टाइम तक वो सोचता है कि बिजनेस को आगे लेकर के चले, और कह रहा है कि इसे कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है कंटिन्यू आप एक्टिविटी कॉन्सेप्ट, ऐसे पूछ सकता है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को और भी किस नाम से जाना जाता है, तो आप बता सकते हैं कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी कॉन्सेप्ट। मतलब ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कंटिन्यू चलता है, सतत चलता है। और यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कि यदि कोई कंपनी किसी प्लांट या मशीनरी को बनाने में लगने वाली लागत को सेम ईयर को ध्यान में रख करके नहीं बनाती है, बल्कि यह अज्यूम करके बनाया जाता है कि इस प्लांट या मशीनरी का प्रयोग बिजनेस द्वारा लंबे समय तक किया जाएगा। जैसे कोई प्लांट स्थापित किया जाता है, कोई बड़ी बड़ी मशीनरी वगैरह बैठाया जाता है, तो क्या ये मान करके बैठाया जाता है कि हम बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है, बड़ा बड़ा प्लांट मैंने लगाया है और 1-2 महीना उसको बंद कर देंगे? नहीं, ये ज्यूम करके बनाया जाता है, ये मान करके बनाया जाता है कि इसको निकट भविष्य में बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, हम अपने बिजनेस को लंबे समय तक लेकर के चलेंगे। इसी को जाना जाता है गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट के नाम से। चलिए अगला क्या होता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लागत। जैसे बोला जाता है ना कि आपने बिजनेस में कितना कॉस्ट लगाया है, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया है पैसा, तो उसको हम लागत बोलते हैं। लागत मतलब एक अगर व्यापारी होता है तो हम जैसे मान के चलिए कि अगर हमारे पास पूंजी ज्यादा मात्रा में है तो अपने बिजनेस में ज्यादा लगा सकते हैं, क्यों, अगर कम है तो कम ही लगा सकते हैं, लेकिन हम उसको जानते हैं लागत के नाम से, जिसको अकाउंटिंग के लैंग्वेज में कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। कॉस्ट का मतलब लागत, मतलब कितना पैसा आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया होगा। मतलब अगर आपने कोई प्रोडक्ट भी किना है, खरीदा है, तो उसमें आपने कितना रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, कितना लागत आपका लगा हुआ है, उसी को हम कॉस्ट के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले कॉस्ट के बारे में, देखिए कह रहे कि इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम किसी भी एसेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल कॉस्ट मान करके ही रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि यदि हमने किसी फर्नीचर का 50,000 रुपया में खरीदा है, तो उसे हम 2 साल बाद भी आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 में ही रिकॉर्ड करें। जैसे कि मान के चलिए कि अपने बिजनेस में आपने किसी एसेट्स को खरीदा क्या रुपया में, 50,000 रुपये में, तो ऐसा नहीं कि 2 साल बाद आप उसकी अकाउंटिंग करेंगे और बुक्स ऑफ ओरिजिनल अकाउंट आप उसको चेक करेंगे तो उसमें 5 लाख लिखेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने 50 में खरीदा है तो उसको 2 साल बाद भी एंट्री करेंगे तो 50,000 आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसको जो है हम ओरिजिनल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कितना लागत हमारा लगा हुआ है। जैसे कई लोग क्या होते हैं, जैसे मान के चलिए मोटरसाइकिल लोग खरीदते हैं, 40,000 रुपये में उन्होंने खरीदा, तो ऐसा नहीं कि अगर 2 साल बाद उसको बेचेंगे तो अगर उनकी प्रोडक्ट अच्छी है, अगर गाड़ी उनकी अच्छी है तो 50,000 में खरीदे हैं तो वो जो है 80,000 भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ओरिजिनल उसका दाम देखा जाएगा तो 2 साल बाद भी 50,000 रुपये में बताएंगे कि हम 50,000 रुपये में ही गाड़ी खरीदे थे। वो भले से उनके ऊपर डिपेंड करता है, अगर प्रोडक्ट बढ़िया है तो दाम ज्यादा मिल सकता है, अगर प्रोडक्ट खराब है तो दाम उससे कम भी हो सकता है, लेकिन बताएंगे तो जरूर बताएंगे कि 2 साल बाद भी बताएंगे तो जरूर बताएंगे कि हमने गाड़ी को 50,000 में ही खरीदा था। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि गाड़ी को हम कैसे रखते हैं, अगर गाड़ी कंडीशन में है तो 50,000 रुपया 2 साल पहले मिला हुआ था, दो साल पहले मैंने खरीदा था, तो अगर गाड़ी की कंडीशन अच्छी है तो 80,000 रुपये मिल सकते हैं, अगर गाड़ी की कंडीशन अच्छी नहीं है तो 50,000 से घट से करके आपको 30,000 में भी मिल सकता है, लेकिन ओरिजिनल हम कास्ट क्या बताएंगे कि 50,000 में ही गाड़ी खरीदा था,
वही बातें इसमें कह रहा है कि इसे हिस्टोरिकल कास्ट के नाम से, कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम किसी भी एसेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल कास्ट मान करके ही रिकॉर्ड करते हैं। मतलब ओरिजिनल मूल्य कितने रुपए में मैंने खरीदा था, 200 मतलब 2 साल बाद भी अगर हम उस मूल्य को अंकित करेंगे तो जितना मैंने खरीदा था उतना ही मूल्य दिखाएंगे, न कि बढ़ा करके हम दिखाएंगे। समझ में आया? इसे जो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल फर्नीचर का दिया है ताकि आपको समझ में आ सके कि यदि मैंने फर्नीचर 50,000 रुपये में खरीदा था तो 2 साल बाद भी अगर हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में ओरिजिनल हिस्ट्री यानी कि ओरिजिनल कास्ट मानकर इनकी 50,000 में ही उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब ऐसा नहीं कि 2 साल पहले मैंने 50,000 रुपये में फर्नीचर खरीदा और 2 साल बाद उसको जो हम 1 लाख रुपया दिखा दें, उससे हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट का ये रूल है कि जितने में आपने 2 साल पहले खरीदा था उतना ही आपको क्या करना है, 2 साल बाद भी आपको मेंशन करना है, जिसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है, ओरिजिनल कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आवाज आ ही नहीं रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं समझ में आएगा तो पूछना आप लोग कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, बताइए। ठीक है, अब चलिए अगला पॉइंट क्या दिया है। अगला पॉइंट आता है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, पांचवा कॉन्सेप्ट है, इसका नाम दिया है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है तो देखिए, कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन में दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं, और पहला पक्ष आपका डेबिट का होता है और दूसरा पक्ष आपका क्रेडिट का होता है। कोई भी बिजनेस आप ट्रांजेक्शन करिए, अपने बिजनेस में किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन करिए, मात्र दो ही पक्ष आता है, एक आपका डेबिट पक्ष आता है, दूसरा आपका क्रेडिट पक्ष आता है। हर एक बिजनेस का मात्र दो ही पक्ष होता है, पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट। जैसे कह रहा है कि डेबिट पक्ष की टोटल वैल्यू क्रेडिट पक्ष की टोटल वैल्यू की क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। अगर आपका डेबिट साइड का वैल्यू 50,000 है तो क्रेडिट साइड की भी वैल्यू 50,000 ही आनी चाहिए। अब यानी कि डेबिट साइड का बैलेंस आपका 50,000 है और क्रेडिट साइड का बैलेंस आपका 10,000 है तो आपका कंसेप्ट मैच नहीं करेगा। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन के दो पक्ष होते हैं, पहला पक्ष डेबिट होता है, दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है, और पहला पक्ष दूसरे पक्ष के हमेशा बराबर होता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे व्हेन वी परचेज गुड्स, जैसे कि मैंने मान के चलिए कि जब मैंने जो है कुछ गुड्स मैंने क्या किया, खरीदा। When का मतलब जब, वी परचेज गुड्स मतलब जब हमने कुछ गुड्स खरीदा, परचेज का मतलब खरीदा। फिर कह रहा है कि फॉर कैश, किससे, कैसे, अगर 50,000 रुपया मैंने दिया तो 50,000 रुपये का सामान मिला, यानी कि सामान हमको प्राप्त हुआ तभी तो मैंने उतना पैसा दिया, यानी कि जितना पैसा आपका डेबिट उतना ही पैसा आपका क्रेडिट। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि वेन वी परचेज गुड्स फॉर कैश, जैसे कि मान के चलिए कि मैंने कोई गुड्स कैश से खरीदा तो जितने रुपए मैंने पैसा दिया उतने रुपए का हमको सामान प्राप्त हो गया। अगला लिखा है इट रिसीव गुड्स ऑफ सम वैल्यू एंड गिव कैश टू इक्वल वैल्यू। कह रहा है इट रिसीव गुड्स ऑफ सम वैल्यू एंड गिव कैश टू इक्वल वैल्यू, मतलब जिस प्रकार से हम कुछ वैल्यू प्राप्त करते हैं, कुछ गुड्स प्राप्त करते हैं, उसके बदले में उतना हम बराबर में कैश देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि जैसे कि मान के चलिए आपने 10,000 रुपया में कोई सामान खरीदा तो वो सामान हमको मिला और उसके बदले में मैंने कैश आपको दिया। एक ट्रांजेक्शन के दो पक्ष हो गए, पहला आपका डेबिट साइड वाला, दूसरा आपका क्रेडिट साइड वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बिजनेस के मात्र दो पक्ष होते हैं और ये बहुत बेहतर तरीके से आपको बताया गया है कि व्हेन वी परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी कि जब हम कैश से क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, किसी गुड्स को खरीदते हैं, तो होता क्या है, तो कह रहा है कि इट रिसीव ऑफ गुड्स सम वैल्यू, मतलब उसमें कुछ सामान मतलब कुछ गुड्स हम रिसीव करते हैं, और कह रहा है एंड गिव, गिव का मतलब देते हैं, और कैश, कैश देते हैं टू इक्वल वैल्यू, मतलब उसका वैल्यू यानी कि उसके बराबर हम वैल्यू देते हैं, कैश के रूप में हम उसकी वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने बिजनेस में 10,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा, 10,000 रुपये का कंप्यूटर मैंने खरीदा, तो 10,000 रुपये का मैंने कंप्यूटर खरीदा तो हमारे बदले में अगर कंप्यूटर हम खरीद रहे हैं तो क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं ना, तो कैश हमारे व्यापार में कंप्यूटर आ रहा है डेबिट हो जाएगा और कैश जा रहा है तो। समझ में आया? वही सेल करेंगे तब कैश आएगा और कंप्यूटर जाएगा। कोई दिक्कत किसी को?
अब चलिए इसके बाद से आता है हमारा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। क्या आता है? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कह रहा है कि इसे टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अनुसार सभी बिजनेस एंटरप्राइजेज को निर्धारित समय अंतराल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है, और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अकाउंटिंग पीरियड को अपेक्षाकृत शॉर्ट ईयर या क्वार्टर रखना चाहिए, जिससे कि बिजनेस की परफॉर्मेंस को आसानी से मेजर और कंपेयर किया जा सके। अब ये क्या कह रहा है? तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि हमारी जो समय अवधि है बिजनेस का, वो कितने कितने महीने का हो सकता है, कितने साल का हो सकता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसे टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसके अनुसार सभी बिजनेस एंटरप्राइजेस को एक निर्धारित समय अंतराल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है। जैसे इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अकाउंटिंग पीरियड को अपेक्षाकृत शॉर्ट ईयर या क्वार्टर रखना चाहिए। शॉर्ट ईयर या क्वार्टर का मतलब क्या हुआ? मतलब एक साल में एक बार भी होना चाहिए और 3 महीने में एक बार भी होना चाहिए। और क्यों ऐसा किया जाता है? तो कह रहा है कि जिससे कि बिजनेस की परफॉर्मेंस को आसानी से मेजर और कंपेयर किया जा सके, मतलब ये तुलना किया जा सके कि हमारी बिजनेस किस ट्रैक पे पहुंचा हुआ है। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं, जैसे कि मान के चलिए आपने बिजनेस में बहुत ज्यादा पूंजी नहीं लगाया, आपने बिजनेस में बहुत ज्यादा पूंजी नहीं लगाया है, और 1 अप्रैल 2023 से आपने बिजनेस अपना स्टार्ट कर दिया, या फिर मान के चलिए कि 1 अप्रैल 2022 से आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, और 31 मार्च 2023 तक आते आते आप ये देख पा रहे हैं कि हमारे बिजनेस में 50,000 रुपए का लॉस हो गया। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जिनको तत्काल ही हार्ट अटैक हो जाता है, अरे बाप हमारा बिजनेस में इतना लॉस हो गया, हम बिजनेस आगे नहीं कर पाएंगे। और वही अगर आप 3 महीने पे अपने बिजनेस को आप देखते रहेंगे कि हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है, तो आपको उतना लंबा दूरी तक जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और उतना लंबा आपका लॉस भी नहीं होगा। जैसे क्यों कंपेयर करते हैं? जैसे कि मान के चलिए अगर हम 3 महीने पर रिपोर्ट निकालेंगे, तो 3 महीने पर जब हम स्टेटमेंट अपना निकालेंगे तो ये पता चल सकेगा कि 3 महीने में ओवरऑल हमारा एक्सपेंस कितना हुआ। तो इनकम बढ़ाने का मुख्य स्रोत ये है कि अपनी एक्सपेंस को कंट्रोल करना। जब एक्सपेंस कंट्रोल हो जाएगा तो इनकम ऑटोमेटिक हमारा इंक्रीज होता जाएगा। तो 3 महीने में हम ये चेक करते हैं कि हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है, हमारा बिजनेस किस ट्रैक पे गया हुआ है। उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि हमारा बिजनेस ज्यादा लॉस की तरफ जा रहा है, तो हम अपने खर्चे को देखते हैं कि ये कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो हमारे बिजनेस को ज्यादातर लॉस की तरफ लेके जा रहे हैं। उस खर्चों को हम कंट्रोल करना धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, जिससे कि हमारी बिजनेस अच्छे ट्रैक पे आ सके और हमारी बिजनेस में अच्छे रूप से मनी मेजरमेंट हो सके। समझ में आ रहा है ना? वही अगर आपके बहुत ज्यादा पूंजी नहीं है आपके बिजनेस में और आप 1 साल के बाद निकाल रहे हैं, तो पता ही चलेगा कि आपके बिजनेस में 50,000 रुपए का लॉस आएगा, तो फिर अपने बिजनेस को आप अच्छे से मेजर नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसमें बताया गया है कि 3 महीने पे एक बार, या अगर हम 3 महीने पे भी लेते हैं तो भी अप्रैल मई जून अगर ईयरली भी आप लेते हैं, यानी कि ईयर में भी अगर आप लेते हैं, तो इसके लिए अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च का समय आपको दिया। तो जैसे जो लेवल बड़े बड़े लेवल के जो क्या होते हैं बिजनेसमैन होते हैं, वो अपना स्टेटमेंट तभी तैयार करते हैं जब उनका एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास पूंजी मजबूत रहता है, और जिसके पास पूंजी मजबूत नहीं है वो क्या 1 साल लेके जाएगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है सबको? तो वो हमारा कहता है कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, कि हमेशा बिजनेस को शॉर्ट टर्म में, यानी कि 3 महीने पे एक बार और 1 साल पे एक बार, हमेशा आसानी तरीके से इसको स्टेटमेंट तैयार करके देखते रहना चाहिए, जिससे कि हमको अकाउंटिंग पीरियड में ये पता चल सके कि बिजनेस की परफॉर्मेंस हमारे क्या है, हमारा बिजनेस किस ट्रैक पर पहुंचा हुआ है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब चलिए अगला ऑप्शन आता है ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन को किसी एविडेंस या सपोर्टेड बिजनेस डॉक्यूमेंट, जैसे कि इनवॉइस हो गया, वाउचर के आधार पर रिकॉर्ड करना चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट ऐसे होने चाहिए जिन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस के रूप में रखा जा सके। एविडेंस का मतलब क्या होता है? सबूत। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन को किसी एविडेंस या सपोर्टेड बिजनेस, जैसे अगर हमारे पास हमारी बिजनेस का सारा एविडेंस मौजूद है, तो हमारे बिजनेस में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, हम अपने बिजनेस को आसानी तरीके से लेके जाएंगे।
और वही अगर सारा एविडेंस हमारे पास मौजूद नहीं है तो फिर हम बिजनेस तो करेंगे लेकिन बहुत सारे हमारे अंदर क्या होगी, दिक्कतें होंगी, हो सके कि हमारे बिजनेस ग्रो ना कर पावे क्योंकि हम अपने बिजनेस को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएंगे, हम अपने बिजनेस को आगे नहीं लेके जा पाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारा एविडेंस ही मौजूद है। और कह रहा है यहाँ पे देखिए, कह रहे कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन को किसी एविडेंस या सपोर्टेड बिजनेस डॉक्यूमेंट, और दूसरी चीज कि हमारे बिजनेस में जो डॉक्यूमेंट होते हैं जो सपोर्ट करते हैं हमारे बिजनेस को, जैसे इनवॉइस हो गया, वाउचर हो गया, यही तो सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं। और कह रहा है कि इनवॉइस वाउचर के आधार पर ही रिकॉर्ड करना चाहिए, मतलब जैसा हमारा इनवॉइस कह रहा है, जैसा हमारा वाउचर कह रहा है, जैसा हमारा एविडेंस मिला हुआ है, उसी के आधार पे अपना बिजनेस हम चलाएंगे। और कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंट भी ऐसे होने चाहिए कि जिन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस के रूप में रखा जा सके, मतलब अगर इसको कोर्ट में भी अगर पेश किया जाए, अगर कोर्ट में भी अगर आपको दिखाना हो तो उस एविडेंस में, उस डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की कोई इशू ना आए, आप अपनी बिजनेस को आसानी तरीके से लीगल दिखा सके, इलीगल आपका बिजनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या दिया है, मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्या दिया है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, चूंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसमें बताया जा रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी रेवेन्यू प्राप्त करते हैं, रेवेन्यू का मतलब आमदनी, एक हम कह रहे हैं कि हम अपनी कॉन्सेप्ट, कह रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जितना रेवेन्यू प्राप्त करते हैं और उस रेवेन्यू को पाने के लिए हम जितना एक्सपेंस करते हैं उनकी मैचिंग होना अनिवार्य है, उनकी मैचिंग होना अनिवार्य है, मतलब कितना रुपया मैंने कमाया और कितना रुपया मैंने खर्चा कर दिया, कितना रुपया मैंने कमाया और कितना रुपया मैंने खर्चा कर दिया, इन दोनों का मैचिंग होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक ये मैचिंग नहीं होगा तब तक आपको ये पता ही नहीं चल पाएगा रिजल्ट अपने बिजनेस के बारे में कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी रेवेन्यू प्राप्त करते हैं, मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक आपने कितना रेवेन्यू प्राप्त किया और उस रेवेन्यू को पाने के लिए आपने कितना ओवरऑल एक्सपेंस किया, खर्चा किया, उनकी मैचिंग होना चाहिए जिससे कि हम बिजनेस के वास्तविक रिजल्ट को पता कर सके कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट की तरफ गया है कि लॉस की तरफ गया, इसलिए तो मैचिंग होना चाहिए। अगर मैचिंग नहीं करेगा तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपने कितना इनकम किया है, आपका बिजनेस में प्रॉफिट क्या है या बिजनेस में लॉस क्या है। और कह रहा है कि जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल को समझिएगा, कह रहा है कि जैसे हम किसी बिजनेस की फैक्ट्री में रेंट मैंने दे दिया 10,000 रुपये, रेंट मतलब किराया, कितना मैंने दे दिया 10,000 रुपया, और कह रहा है कि स्टाफ की सैलरी और अन्य खर्चा मिला करके मैंने 90,000 दे दिया, तो 90,000 अन्य एक्सपेंस आ गया और प्लस 10,000 रुपया हमारे फैक्ट्री का रेंट हो गया, तो 90 और 10 1 लाख रुपया हो गया ना। और कह रहा है कि और उस बिजनेस मंथ में टोटल मैंने सेल किया मात्र 2 ही लाख रुपए का, कितना सेल हुआ है, मात्र 2 लाख रुपए का सेल हुआ है जिसमें खर्चा दिखा दिया गया क्या रुपया, 1 लाख रुपया, कितना बचा, वही हमारे बिजनेस का इनकम हो गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस मंथ में बिजनेस का प्रॉफिट हमारा 1 लाख रुपया हुआ, क्यों, क्योंकि 2 लाख रुपया तो आपने कमाया था लेकिन 1 लाख रुपया आपने खर्चा कर दिया, 1 लाख में कौन कौन सा, तो 90,000 में आपने स्टाफ का सैलरी दे दिया और भी ओवरऑल आपने बहुत सारा खर्चा कर दिया और प्लस 10,000 रुपया आपने रेंट दे दिया फैक्ट्री का, तो 90 और 10 100 यानी कि 1 लाख ही हो गया और कमाया था मात्र आपने 2 ही लाख रुपया, तो 2 लाख में से 1 लाख रुपया अपना खर्चा ही कर दिया तो 1 ही लाख रुपया बचा ना, वही 1 लाख रुपया हमारे बिजनेस का प्रॉफिट हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। जैसे यहाँ पे इस फार्मूले को भी लिखा हुआ है, प्रॉफिट बराबर क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू बराबर, सॉरी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, मतलब प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का और रेवेन्यू हुआ 2 लाख रुपए का और एक्सपेंस हुआ कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से। जैसे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए प्रॉफिट को पाने के लिए यानी कि प्रॉफिट हमारे बिजनेस में मैंने दिखा दिया कितना रुपया, पांच, सही है ना, 1 लाख रुपया, और माइनस सबसे पहले इक्वल टू करेंगे ना, यहाँ पे आप जो है, एक मिनट इसको थोड़ा सा हम साइड में बनाते हैं, देखिए यहाँ पे मैं लिख देते हैं, जैसे कि आपने जो है 1 लाख रुपया आपके बिजनेस में क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये बिजनेस में कैसे दिया है, तो ये क्वेश्चन में आपको दिया है, ऐसा नहीं कि हम अलग से लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन में 1 लाख रुपया आपका प्रॉफिट दिखाया गया है, लेकिन अपने बिजनेस में आपने रेवेन्यू कितना किया है, कितना किया है, 2 लाख, इसमें दिया भी है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यानी कि रेवेन्यू में आप ले लीजिए 2 लाख,
इसमें आप रेवेन्यू मिले 2 लाख रुपया, और प्लस आपने एक्सपेंस कितना कर दिया, 1 लाख रुपया आपने एक्सपेंस कर दिया। देखिए तो शेष कितना बचा, 1 लाख रुपया जो आपका बचा है वही आपका क्या हो जाता है, बिजनेस का प्रॉफिट हो जाता है। यही आपका जो शेष बचेगा वही आपका 1 लाख रुपया क्या हो जाएगा, आपके बिजनेस का प्रॉफिट हो जाएगा। इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे बिजनेस 1 लाख रुपए से किस में गया है, प्रॉफिट में गया है। बराबर क्या चीज, नहीं नहीं ये बताया गया कि 1 लाख रुपया प्रॉफिट, जैसे ये जो प्रॉफिट दिया यही प्रॉफिट का लाभ यहाँ पे पहले ही लिख दिया गया है उसको। प्रभाव जैसे यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले इसलिए लिखा है क्योंकि यही 1 लाख रुपया यहाँ पे आकर के जुड़ेगा। प्रॉफिट और इनकम, इनकम का मतलब भी आमदनी होता है, और प्रॉफिट का मतलब भी होता है कि सिंगल ट्रांजेक्शन में, या मान के चलिए आपने 1 अप्रैल 2022 से लेकर के और 31 मार्च 2023 तक आपने बिजनेस को कैसे चलाया, और कितना खर्चा हुआ और कितना रेवेन्यू हुआ, इन दोनों को जब मैचिंग करवाएंगे तो जो शेष आपका बच करके आएगा उसी को हम प्रॉफिट बोलेंगे। और इनकम हर एक प्रोडक्ट में इनकम होती है, हर एक प्रोडक्ट में इनकम आपका होती है। मिनिमम 2 लाख वाली बोल सकते हैं और प्रॉफिट क्या नहीं बोल सकते, दो था लाख जो रुपया है, ये जो 2 लाख रुपया आया है ये हमारे बिजनेस का क्या है, पूरा पूरा मतलब हमारा इनकम है, पूरा पूरा रेवेन्यू जो आमदनी हो रही है हमारे बिजनेस से। अरे जब कमाएंगे तभी तो खर्चा करेंगे, जब कमाई में नहीं करेंगे तो खर्चा क्या करेंगे। आमदनी का मतलब क्या होता है, कितना हमारे बिजनेस में आ रहा है, कितना हमारे बिजनेस में आ रहा है। और एक्सपेंस का मतलब कितना होगा, कितना हमारे बिजनेस से जा रहा है। या तो आप आमदनी बोलिए नहीं तो आप इनकम बोलिए, बात तो दोनों सेम ही है। तो शेष जो हमारा 1 लाख रुपया बचेगा उसी को हम बोल सकेंगे कि हमारे बिजनेस का क्या है, ये प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये कब निकलेगा, ये कब निकलेगा, जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तब निकलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है, देखिए अकाउंटिंग पीरियड में, और यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड की बात हो रही है, यानी कि जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड जब स्टार्ट होता है और जब हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, मतलब ओवरऑल अगर मैं अकाउंटिंग पीरियड में कितना मैंने इनकम किया और कितना मैंने खर्चा कर दिया और शेष कितना रुपया हमारे पास बचा, वही हमारा क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। इसको ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे प्रॉफिट के जगह पे क्वेश्चन मार्क लिख लीजिए समझने के लिए, वही प्रॉफिट मैंने पहले दर्शा दिया है। प्रॉफिट मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि स्पष्ट इसमें आपको लिख दिया गया कि 1 लाख रुपया प्रॉफिट होगा। ये बिजनेस को आप प्रॉफिट में ला सकते हैं क्योंकि 1 लाख रुपया आपका बिजनेस का क्या है, प्रॉफिट। अगर एक चीज और बताइए, अगर 2 लाख रुपया मैंने कमाया और 3 लाख रुपया मैंने एक्सपेंस ही कर दिया तो लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, सिंपल सी बात है। तब तो ये समीकरण हमारा चेंज हो जाएगा ना, एक्सपेंस को पहले ले लीजिए, रेवेन्यू को बाद में ले लीजिए, और घटाइए जो शेष बचेगा वही आपका एक्सपेंस में, सॉरी वही आपका लॉस में आ जाएगा। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस होता है किसका, मैचिंग कॉन्सेप्ट का फार्मूला होता है। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट आपका तभी फॉलो हो सकता है जब आपको ये पता हो कि हमारे बिजनेस में रेवेन्यू कितना हुआ है और एक्सपेंस कितना हुआ है, अदरवाइज आप किसी ऑप्शन से आप नहीं समझ सकते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। और ये सब स्टेटमेंट हम आगे आपको बनवाएंगे, पीएल अकाउंट निकालने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट निकालने के लिए, बैलेंस शीट वगैरह सब बताएंगे, ट्रायल बैलेंस वगैरह सब बताएंगे, उसमें ऑटोमेटिक पता चलेगा। तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, हद है यार। मैंने क्या बोला है कि जो 2 लाख है उसको आमदनी बोलेंगे नहीं तो इनकम बोलेंगे, नहीं तो इनकम बोलेंगे नहीं तो आमदनी बोलेंगे, बात वही है। इनकम बोल सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वही बोला है। और रेवेन्यू पढ़ाते समय भी मैंने बताया था कि रेवेन्यू बोले चाहे इनकम बोले बात एक ही है। रेवेन्यू की टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया था, उसमें मैंने बोला था कि या तो रेवेन्यू बोलेंगे नहीं तो इनकम बोलेंगे, बात एक ही है। चलिए कल से हम लोग पढ़ा जाएगा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के बारे में, यहाँ से हम लोग कल पढ़ा जाएगा, ठीक है। और फिर और था इसमें दिया परचेज वाला, तो किसी गुड्स को बिक्री के लिए खरीदेंगे तो ही परचेज तो ही कराना परचेस कर रहे, यूज के यूज लिए हमारे बिजनेस में यूज के लिए क्यों आएगा, बिजनेस से संबंधित के लिए अपना करते हैं चलाने के लिए, इसको ही परचेज नहीं करेंगे। बिजनेस जो है, बिजनेस से मान करके हम अकाउंटिंग करते हैं। हमारी जो अकाउंटिंग की क्लास स्टार्ट हुई है, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बिजनेस मान करके हम अपनी अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमारे कंप्यूटर में हम जैसे मान के चलिए कि अपने संस्था में मैंने कंप्यूटर लगाया, उसका मेन उद्देश्य क्या है, एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे तो उसके बदले में हमको इनकम प्रोवाइड होगा, तो अपना बिजनेस का हुआ। अगर हम बिजनेस में कंप्यूटर लगा रहे हैं तो मेन उद्देश्य क्या है कि अगर हम कंप्यूटर से बिलिंग करेंगे और उसके माध्यम से कस्टमर को रिसिप्ट बना करके देंगे तो हमारे बिजनेस में आसानी रहेगा, मेन उद्देश्य तो उसका वही है ना, मेन उद्देश्य तो इसका वही है ना। अब अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदेंगे तो उसको हम ड्राइंग बोल सकते हैं, वो तो हमारा एक्सपेंस चला जाएगा, वो भी परचेज ही करते हैं, ये भी परचेज ही करते हैं, लेकिन इसको हम बोलते हैं बिजनेस में सेल के लिए खरीदा गया है, क्योंकि मैंने अगर इसका मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो बस बिजनेस में उसको सेल करना, बेचना ही है।